नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास ऑफ ब्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, माने ईंट का कितने श्रेणी में बांटा गया है, उसका क्या गुण होता है, क्या उपयोग होता है, उसका क्या स्ट्रेंथ होता है, कहाँ कहाँ किस ब्रिक को, कैसा ब्रिक को हम कहाँ यूज करेंगे, आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ज़रूर, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। और उससे पहले आप मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उस पर क्लिक करके ऑल का बटन दबाइएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला है, मैं ब्रिक को चार भागों में बांटता हूँ, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक या झामा ब्रिक। चलिए देखते हैं। पहला है मेरा फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ कोष्ट में गुण, इसका उपयोग। देखिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक का गुण होता है बर्क इन लार्ज किलन्स, माने जो बड़ा बड़ा चिमनी होता है उसमें इसको बनाया जाता है, बर्न माने पकाना, मतलब इसको आग में पकाया जाता है लार्ज किलन्स में। इसका स्टैंडर्ड शेप होता है, शेप जो इसका होता है पूरा स्टैंडर्ड रहेगा, जो भी इसका इसका साइज होता है ईंट का वो स्टैंडर्ड होता है। और इसका जो एजेस होते हैं को जो चार, ये आपको जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट एग्जांपल के लिए ये मेरा ब्रिक हो गया, ये मेरा ब्रिक हो गया, तो इसका जो ये एज होगा, ये एज होगा, ये एज होगा, और ये कॉर्नर होगा जो चारों, एक दो तीन चार, और इस तरह से ये एज, ये एज, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ऐसे ही सारा कॉर्नर आपका एकदम क्लीन दिखेगा बिना किसी रुकावट के, एकदम शार्प एज होगा, साफ सुथरा होगा, कोई उसमें कटिंग फटिंग नहीं होगी। और अगला उसमें उसका एक और भी गुण है, वो होता है स्मूथ सरफेस, माने मुलायम थोड़ा होता है, मैंने रुखड़ापन टाइप का उतना नहीं होगा, जैसे उसको आराम से ऐसे फिसलाइएगा तो फिसलेगा, मतलब उसमें आपका उंगली उंगली फंसेगा नहीं, रुखड़ापन उसमें नहीं रहता है। और ये जो मॉडल होता है, मॉडलिंग जहाँ होता है, ये टेबल मॉडलिंग होता है, जैसे टेबल हो गया, मॉडलिंग का टेबल हो गया, जैसे हम लोग पढ़ने लिखने का टेबल होता है वैसे ही मॉडलिंग का होता है, जब उसमें ऐसे मॉडल किया जाता है उस ब्रिक को, तो एकदम उसका प्लेन शेप मिलता है, मतलब जो भी नीचे उबड़ खाबड़ कोई उसमें ईंट पत्थर बालू घास कुछ नहीं चिपकेगा, वो प्लेन मॉडल होगा, उसको मॉडल कर उसी को हम लोग टेबल मॉडलिंग करते हैं। इसको मॉडल करने के लिए नीचे में उसका प्लास्टिक या कुछ ऐसा केमिकल लगा के बनाया जाता है कि उसका जो नीचे का सरफेस हो पूरा प्लेन हो एकदम। ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है और ब्रिक्स का अपेक्षा। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, यूज फॉर परमानेंट स्ट्रक्चर, हम लोग इसके परमानेंट जो मेरा डिजाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंगस हो गए, टनल्स हो गए, पिचिंग रोड हो गए या पिचिंग कोई भी चीज़ हो गए, वहाँ पर हम लोग ब्रिज व्रिज हो गए उसमें हम लोग इसका परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, ताकि लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, लॉन्ग टाइम तक चले। अगला मेरा जो नेक्स्ट है वो है सेकंड क्लास ब्रिक, दूसरा जो मेरा है उसका, देखिए ये मॉडल बाई ग्राउंड मॉडलिंग, ये ग्राउंड पे मॉडल होता है, ये टेबल पे नहीं होता है, ग्राउंड मॉडलिंग नीचे मैंने अर्थ सरफेस पे यूज होते बनाया जाता है, इसको बर्न्ड इन किलन, ये भी किलन्स में ही पकाया जाता है, चिमनी में ही पकाया जाता है, लेकिन थोड़ा इसका साइज छोटा होता है। इसका सरफेस जो होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक की अपेक्षा सेकंड क्लास ब्रिक का सरफेस उतना स्मूथ नहीं होता है, और एज भी उतना क्लियर नहीं होता है, थोड़ा कटिंग फटिंग रह ही जाता है। और इसका जो सेकंड क्लास ब्रिक है इसको हम लोग को चिनाई करने के बाद प्लास्टर की ज़रूरत पड़ती है, और फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या है कि आप बिना ये चिनाई किए एक लेवल में सूत से इसको ये करके फर्स्ट क्लास ब्रिक को डायरेक्ट पेंट मार सकते हैं बिना ये प्लास्टरिंग किए, लेकिन सेकंड क्लास को थोड़ी स्मूथ प्लास्टर की रिक्वायर्ड पड़ती है।
सेकंड क्लास का ब्रिक जो होता है मेरा, ये भी परमानेंट स्ट्रक्चर में ही यूज होता है, बिल्डिंग टनल पिचिंग में, लेकिन थोड़ा इसका उपयोग उतना ये सरफेस प्लेन नहीं आता है, तो इसके लिए हम लोग प्लास्टर करते हैं, और ये थोड़ा लेस कॉस्टली होता है फर्स्ट की अपेक्षा। अगला जो मेरा है थर्ड क्लास वो ब्रिक, थर्ड क्लास, थर्ड क्लास का होता है पुअर क्वालिटी होता है, थोड़ा क्वालिटी इसका पुअर मतलब थोड़ा कमज़ोर होता है, उतना अच्छा नहीं होता है फर्स्ट क्लास सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के ब्रिक जैसा। यह भी ग्राउंड पर ही मॉडल किया जाता है, और जो मेरा इसका अगला प्रॉपर्टी, अगला गुण है, इसको जब भी हम पकाते हैं तो किलन्स में नहीं है बनते हैं, ये क्लैम्प्स भट्ठा जो होता है ईंट भट्ठा उसमें बनता है, इसका सरफेस भी उतना रफ सरफेस होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कहिए या उसका क्लीन मतलब बिल्कुल कॉर्नर नहीं मिलेगा, थोड़ा भसा टूटा फूटा रहेगा, ये जो होता है ना उतना अच्छा से नहीं पक पाता है ईंटा, मतलब अच्छा से रेड नहीं हो सकता है, पूरा रेडिश कलर का मैंने लाल टाइप का कलर नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट वाला ब्रिक एकदम लाल कलर चमचमाता हुआ रहेगा। और थर्ड क्लास ब्रिक का अगला अनफेयर एज होता है, मैंने उसके एजेज क्लियर नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत कटे रहते हैं, इसको हम रेनी सीजन में नहीं यूज सकते हैं, यूज करते हैं बरसात के दिनों में, रेनी एरियाज में जहाँ ज़्यादातर बारिश होती है, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बारिश पानी पड़ने से ये थोड़ा इसका एज है, इसमें गलने लगता है, थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं रोड़ी, नोनी बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, नोनी लगने लगती है, मैंने ये झड़ने लगता है। इसका यूज हम लोग टेम्परेरी स्ट्रक्चर जैसे झोपड़ी वगैरह या कोई खम्बा वम्बा बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कोई ईंट का कॉलम नहीं बनाते हैं कहीं कहीं हम लोग शेड वेड लगाने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, या टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, या फिर आप फाउंडेशन में नीचे बिल्डिंग में जो होता है नीचे फाउंडेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा रहा थर्ड क्लास ब्रिक का। अगला देखते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक, इसको हम ओवर बर्नट या झामा ब्रिक भी बोलते हैं, फोर्थ क्लास ब्रिक का जो होता है ये ज़्यादा पक जाता है, इसीलिए इसको ओवर बोल्ड या पक के झामा ईंटा बोल जाता है, हम लोग की तरफ झामा ईंटा बोलते हैं, ये पुअर क्वालिटी होता है, बहुत ही लो ग्रेड का ये ब्रिक होता है फोर्थ क्लास ब्रिक, इसको हम स्ट्रक्चर में नहीं यूज कर सकते हैं, इसको हम क्रशिंग के लिए यूज करते हैं, इसका यही गुण है, और ये ओवर बर्निंग हो जाता है, बहुत ही हीट हो जाता है, तो ओवर बर्निंग होकर इसका शेप जैसे जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसीलिए इसको ओवर बर्न ब्रिक बोला जाता है, इसको हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं, ये उतना मजबूत नहीं होता है, ओवर बर्न के कारण इसको जैसे ही तोड़ेंगे ना जल्दी टूट जाता है, इसका जो मजबूती होता है वो कम हो जाता है, स्ट्रेंथ जो होता है इसका थोड़ा कम हो जाता है, इसका नो शेप और नो एज होता है, कोई शेप कोई एज नहीं, किसी का कोई रहेगा किसी का कोई रहेगा किसी का कुछ रहेगा, किसी कोई किधर मुड़ा है कोई किधर मुड़ा है, इस तरह का रहेगा, तो ये मेरा इसका गुण हो गया। और इसका यूजेज देख लेते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक या झामा ब्रिक का, ये सूटेबल नहीं होता कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, इसको हम कंस्ट्रक्शन पर्पस में नहीं यूज कर सकते हैं, हाँ इसको हम वहाँ यूज करेंगे यूज फॉर एग्रीगेट मेकिंग, इसको जैसे पुराने ज़माने में चाहे हम अभी भी कहीं कहीं जैसे नली गली वली हो गया थोड़ा छोटा मोटा या आपके घर में कहीं गड्ढा उड्ढा है, तो इसको क्रशिंग करके आप गिट्टी के रूप में एग्रीगेट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं ओवर बर्नड हो जाने पर। और इसका यूज फॉर आर्किटेक्चरल जो ये मेरा है आर्किटेक्चरल पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल पर्पज़ जैसे इसका कोई डिजाइन वजाइन देने के लिए चिपकाया जाता है दीवार पे, उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं आर्किटेक्चरल पर्पज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज का टॉपिक मेरा यहीं समाप्त होता है, और आपको बता दूं एक ज़रूरी बात कि आप मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ज़रूर कीजिए अच्छा लगा हो तो, और ज़रूर कीजिए, ज़रूर ही कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, और कमेंट करके आप वीडियो में बताएं कि हम आपके लिए कैसा वीडियो लाएं कि आपके लिए बेहतर हो, महत्वपूर्ण हो, आपकी जानकारी के लिए हो, हम ज़रूर उस पर लाने की कोशिश करेंगे सिविल से रिलेटेड। हाँ अब चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।